फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं बारबी और आज के एपिसोड का नाम है कॉफी किटीज। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओ रोज बेला, तुम कहाँ जा रही हो? ओ मैं मॉफिन को वॉक कराने लेके जा रही हूँ। ओके जाओ, हैव अ नाइस डे। चेल्सी आ जाओ, तुम्हारे वॉफल्स रेडी है। ओ हाँ मम्मा, मैं आ रही हूँ। ओ हाँ मम्मा, मैं आ रही हूँ। कैली, तुमने मेरी कॉपी क्यों की? कैली, ओके। ओ मम्मा, कहाँ है मेरे वॉफल्स? ओ ये रहे तुम्हारे। ओ मम्मा, कहाँ है मेरे वॉफल्स? कैली, तुमने तो अपने वॉफल्स खा लिए ना? ठीक है, मैं जा रही हूँ। ओ मैं अपने वॉफल्स खाती हूँ। ओ ये वॉफल्स कितने टेस्टी हैं। ओ ये वॉफल्स कितने टेस्टी हैं। कैली, तुम्हें पता है ना तुम्हारे प्लेट में कोई वॉफल्स या फिर कुछ नहीं है? ओ कैली, तुम्हें पता है ना तुम्हारे प्लेट में वॉफल या फिर कुछ नहीं है? कैली, मेरी कॉपी करना बंद करोगी कि नहीं तुम? ओ कैली, तुम मेरी कॉपी करना बंद करोगी कि नहीं तुम? हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। मम्मा आज अब क्या कर रही हो? ओ मैं अपने वॉफल्स खाकर एक नई कुकी रेसिपी पे ट्राई करूँ। मम्मा आप हमेशा कुकीज ज़्यादा क्यों बनाती हो? ओ क्योंकि कुकीज सबसे पहली चीज है जो मैंने बनाई थी अपने लाइफ में। ओ ग्रेट, पर आज इतनी शांति क्यों है हमारे घर में? ओ वो इसलिए क्योंकि आज रेनबो, तो हाँ रेनबो होगी अपने रूम में, और रोजबेला, डार्बी और सब गए हैं बाहर। ओके मम्मा, मैं रेनबो को ढूंढती हूँ। कैली के साथ तो मैं नहीं खेलने वाली। ओह रेनबो, तुम क्या कर रही हो यहाँ? ओह मैं कैली को ढूंढ रही थी। ओह वो वहाँ है, मैं केसी को, पर केसी तो वेकेशन पे गई है, मैं अकेली हूँ। ओह कैली, तुम क्या कर रही हो? ओह मैं आज चेल्सी दीदी की कॉपी कर रही हूँ। वाह ये तो अच्छा है, काश मैं भी किसी की कॉपी कर पाती। काश केसी होती तो मैं उसकी कॉपी करती। पर ये तुम पायरेट प्रिंसेस की हेड क्यों पहन के आई हो, वैसे बताना? क्या करूँ, मेरी हेड कोई मिल नहीं सकती और मैं बिना हेड के नहीं आ सकती। क्यों ऐसा, बिना हेड के तुम क्यों नहीं आ सकती? तुम मेरा सीक्रेट बाद में बताओगी, मैं ये सीक्रेट बता नहीं सकती किसी को, ठीक है? ओके मुझे इतनी ज़रूरत भी नहीं, पर कैसी काश होती। चलो हम थोड़ा घूमते हैं। ओके तुम कहाँ हो? कैसे तुम कहाँ हो? ओ मैं यहाँ हूँ। क्या कैसी, तुम अपने वेकेशन से वापस आ गए? ओ हाँ मुझे वहाँ बहुत बहुत मज़ा, हाँ यहाँ बहुत मज़ा आया। पर तुम्हारे घर में क्या हो रहा है? मैंने बहुत सारे सबके सैंडल्स और स्लीपर्स देखे। तुम्हारे घर में क्या कोई मेहमान आए? नहीं, बस हमारी बिग फैमिली हो गई है। क्या, कैसे, कब से? नहीं, रोजबेला के घर में रिनोवेशन हो रहा है, तो वो हमारे घर में है, मतलब रेनबो भी हमारे घर में है। और मम्मा की सिस्टर डार्बी भी यहाँ आई है, क्योंकि इन्हें थोड़ा एक वीक लगेगा घर लेने में, एक वीक नहीं शायद से थोड़े दिन। और उन रोज़बेला की सिस्टर बेला, तो वो भी थोड़े दिन में ही चली जाएगी। हो ये तो बहुत बड़ी फैमिली। हाँ चलो हम लोग चलते हैं। आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ऐसा क्यों? ओह तुम समझ जाओगी। ओह कैसे, तुम वापस आ गई? ओह हाँ मैं वापस आ गई वेकेशन से। वाह ओह हाँ, ओह हाँ, तुम अभी तक मेरी कॉपी कर रही हो? इन दोनों को क्या हो? ओ इन दोनों को क्या? क्या अब तुम मेरी कॉपी कर रही हो? चलो कैसी हाँ चलो चेल्सी। हाँ कितना मजा आया ना। हाँ वो मेरे पास एक प्लान है, हम उन लोग की नकल करते हैं। ओ हाँ क्या ली चेल्सी, क्या हुआ? ओ हाँ हम लोग कहना है, तुम कुछ कहना चाहती हो? क्या तुम हमारी बस 2 मिनट के लिए कॉपी करना बंद करोगे? अब हम लोग क्या करें, ये प्लान भी नहीं किया। मेरे पास एक आइडिया, हम ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो उन्हें बिल्कुल पसंद है। ओ हाँ कैसे, तुम तो बहुत ब्रिलियंट आइडिया देती। हाँ बुक पढ़ के स्मार्ट हो गई, वेकेशन पे भी गई थी तो मैं पूरा दिन में बुक पढ़ती थी। क्या, और तुम कहते तुमने पूरा वेकेशन मजे किए?
हाँ तो बुक पढ़ना मजे नहीं है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, हम लोग को उन लोग से निबटना चाहिए। चलो हम लोग भी सोफे पे बैठते कैसी? हाँ चेल्सी। चलो हम लोग भी सोफे पे बैठते कैसी? हाँ चेल्सी। ठीक है तुम हमारी कॉपी करो, ठीक है तुम हमारी कॉपी करो। कैसी तुम्हें तो पता ही है ना मुझे ना स्पार्कल बिल्कुल पसंद नहीं। ओह कैसी तुम्हें तो पता है ना मुझे स्पार्कल बिल्कुल ही तुम कैसे बोलोगी वो कैली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आखिरकार तुमने मान लिया कि तुम्हें स्पार्कल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुमने मान लिया कि तुम्हें स्पार्कल बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है मैं देखती हूँ इस बार। ओ मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं अपनी हैट उतार देती हूँ। ओ मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं अपनी हैट ही तुम कैसे बोलोगी, ये तो तुम्हारा सीक्रेट है। मैं अपनी हैट उतार देती हूँ। ओ पर रेनबो तुमने अपनी हैट कहाँ उतारी? तुमने कौन सी हैट उतारी? मैं तो तुम्हारी सिर्फ कॉपी कर रही हूँ ना। ये भी प्लान नहीं काम किया। चलो मम्मा से कहते हैं। हाँ मम्मा से, मतलब तुम्हारी मम्मा से। मम्मा कैसी कैली और चेल्सी बोल रही हूँ मम्मा, मैं तो चेल्सी तो मैं ही हूँ। कैली और रेनबो ना हमारी कॉपी कर रहे कब? ओ अच्छा मेरे पास, हाँ मेरे पास एक आइडिया है। कैली और चेल्सी को बुला के लेकर आओ। ओके मम्मा लेकर आते हैं। मम्मा हम सबको लेकर आ गए। ठीक है मैंने सुना गर्ल्स तुम चेल्सी और केसी की कॉपी कर रही हो। हाँ मम्मा हमें बहुत मजा आता है। हाँ मम्मा हमें बहुत मजा आता है इसलिए। ठीक है तब तो तुम्हें अपनी लाइफ भी स्विच करनी चाहिए। आपका क्या मतलब है? हाँ आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब चेल्सी और केसी को, चेल्सी को पायरेट्स बहुत पसंद है। कैली तुम्हें पायरेट पसंद होने चाहिए, ठीक है? तुम अब से टी पार्टी नहीं करोगी। मम्मा आप मजाक कर रही हो ना, मैं पायरेट की तरह कभी नहीं बनूंगी। हाँ मुझे पायरेट पसंद है पर वो फैंसी बिल्कुल नहीं होते। ठीक है रेनबो केसी को बुक बहुत पसंद है, तुम बुक पढ़ा करो, तुम भी बुक पढ़ा करो केसी की तरह। आप मजाक कर रही हो ना, मुझे बुक पसंद है पर मैं हमेशा नहीं पढ़ सकती। केसी तो अपने वेकेशन पे भी बुक पढ़ती है। तो फिर तुम कैसे उन लोग की कॉपी की? अगर तुम्हें कॉपी करनी है, अगर तुम्हें कॉपी करनी है तो तुम्हें अच्छी तरह से कॉपी करनी चाहिए ना, तभी तो तुम एक असली कॉपी किटीज बनोगी। मम्मा हमने ऐसा तो बिल्कुल सोचा ही नहीं। तो मैं ऐसा नहीं कहना चाहती थी तुम कॉपी मत करो, पर सोच के ही देखो अगर सब एक जैसे होते तो लाइफ कैसी होती। शायद से आपने सही कहा, मैं वही तो समझाना चाहती थी। तुम लोग लिविंग रूम में बैठो, मैं अभी तुम्हें समझ आ जाएगा। ओके मम्मा। ओ मफिन तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? ओ रोज़बेला तुम आ गई। ओ सही टाइम पे आई हो, तुम मेरी हेल्प कर सकती हो कुछ समझाने के लिए? किसे कुछ क्या क्या तुम क्या कह रही हो? तुम समझ जाओगी, चलो मेरे साथ। ओ रुक जाओ मफिन मुझे कुछ समझ। ओ गर्ल्स हम तुम लोगों को कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं, हम सब अलग है इस बारे में। क्या जैसे आप और रोज बेला? हाँ, बेस्ट फ्रेंड। तुम और मैं अलग है जैसे ब्लॉन्ड एंड ब्लॉन्ड है। हाँ, वैसे आप जब भी कहते हो तो आप ऐसा क्यों कहते हो? अलग हो जैसे ब्लॉन्ड एंड ब्लॉन्ड है। अलग फ्रेंड अलग थोड़ी ना होते, अलग होंगे तो कुछ मजा ही नहीं आएगा। ठीक है मैं, अगर रोज बेला मेरी तरफ बेकिंग करने लगे तो तुम्हें पसंद आएगा? बिल्कुल नहीं मम्मा आपने ये बात की, मैं तो कभी ब्रेकफास्ट लंच कभी मैं भूखी मर जाऊंगी। ओह ऐसा क्यों कह रही हो? ओह मैं एग्जांपल है रोज बोला देखा, और अगर मैं वेट का काम करने लगी तो? मम्मा अभी से मुझे ड्रीम और जू की तरह दिख रहा है मेरे मन में। तो हम सबके एक जगह होती है, हम लोग बहुत अलग है पर हम लोग बेस्ट फ्रेंड कैसे हैं? मुझे नहीं पता, क्योंकि हम दोनों अलग हैं बस इसलिए हम बेस्ट फ्रेंड हैं, क्योंकि अगर दुनिया अलग हो तो मजा आता है। मैं तुम्हें समझाती हूँ। ये रही कुकीज। ये कुकीज किस लिए मम्मा? हम तो समझ गए कि अलग होना क्या होता है। हाँ पर तुम्हें एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा, ये कुकीज तो एक बार लेकर देखो। ओके मम्मा ये तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। नहीं ये ब्लूबेरी फ्लेवर। नहीं ये लेमन फ्लेवर है। नहीं ये तो एक चॉकलेट फ्लेवर है। क्या मम्मा ये कुकीज तो सारी एक जैसी दिखती है, तो उसके फ्लेवर कैसे अलग है? हाँ मम्मा बेबी इसमें डिफरेंट बेरीज है। ये डिफरेंट
बेर इसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना। ओ मुझे पता है, ओके सी तुम्हें तो सब कुछ पता है। हाँ डिफरेंट बेरीज बहुत स्पेशल बेरीज होती है। ओ सब एक जैसी दिखती है पर सबका फ्लेवर बहुत अलग होता है, पर वो बहुत रेयर होती है। आपको कैसे मिली? ओ मैंने सुबह मेरे गार्डन में मिला। ओ अच्छा, तो देखो वो सब एक जैसे होकर भी अलग है, तो तुम लोग तो अलग होकर भी अलग नहीं हो सकते। ओ हाँ आपने सही कहा, हमें अलग ही होना चाहिए। अलग है तो हम सब अलग हैं। हाँ हम सब अलग हैं और हमें एक दूसरे जैसा अलग रहना पसंद होता है, पर कभी कभी कॉफी किटी बनना भी अच्छी बात होती है। म्याऊ।